नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आलोक इंडस्ट्रीज की। 24 रुपए 25 पैसे का स्टॉक हो चुका है, एक अच्छी पोजीशन में स्टॉक है। खबरें जो है वो काफी पॉजिटिव आ चुकी हैं और यही कारण है कि यहां पर अच्छे टारगेट के साथ स्टॉक की री एंट्री करवाई जा रही है। बात करें बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की, तो वहां से भी बाय कॉल्स आना दोबारा स्टार्ट हो गए हैं आलोक इंडस्ट्रीज को लेकर के। एक अच्छी रैली आई थी पिछले दिनों, आप देख सकते हैं यहाँ पे वीक में, बट उसके बाद गिरावट लगातार जारी रही है। स्टॉक ने एक स्टेबल मोमेंटम दिखाया है, एक अच्छा टारगेट यहाँ पर आया है। बात करेंगे टारगेट की, बात करेंगे कि आपको खरीदारी करनी है, कहाँ पर खरीदारी करनी है वो भी बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज कर दो चैनल को सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस समय पर अगर आप देखेंगे तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छी खबरें आ रही हैं, चाहे वो चाइना से हो चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो। अब जानते हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो एक अहम हिस्सा हो जाता है हमारी इकोनॉमी का, दो कारणों से। पहला तो ये कि यहाँ से एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा जनरेट होता है, और दूसरा ये कि यहाँ से जीडीपी में जो योगदान है वो लगातार साल दर साल बढ़ता रहा है। ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ रही है टेक्सटाइल सेक्टर की वो काफी बेहतर रही है। हमारा जो मेन कॉम्पिटिशन रहा था पिछले दिनों, पिछले 10 सालों में 20 सालों में, वो चाइना रहा था, क्योंकि पॉपुलेशन। और देखिए टेक्सटाइल में प्रॉब्लम ये है कि ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो लेबर जहां पर सस्ती होगी उनका बेनिफिट हो जाता है। यही कारण है शायद कि बांग्लादेश इस समय पर टेक्सटाइल को लेकर के काफी अच्छा काम कर रहा है। बात करें इंडिया की, तो इंडिया का जो बेस्ट या सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिटर था वो चाइना था, बट इस समय पर जो चाइना में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके चलते इंडिया का जो टेक्सटाइल सेक्टर है वहां पर बूम देखने को मिल रहा है। बात करें कि क्या खबरें हैं हमारे सामने, तो सबसे पहली खबर जिसके बारे में शायद मैंने पहले भी जिक्र किया होगा, चाइना की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से पावर क्रंच से गुजर रही है, और यही कारण है कि वहां पर बहुत सारी कंपनीज को बंद किया गया है या फिर उन पर रोक लगाई गई है। आप देखिए कि चाइना में भी डाइविंग हेड फर्स्ट इनटू अ पावर सप्लाई शॉक दैट कुड हिट एशियाज लार्जेस्ट इकोनॉमी हार्ड, जस्ट एज द एवरग्रांड क्राइसिस सेंट शॉक वेव्स थ्रू इट्स फाइनेंशियल सिस्टम। The crackdown on power consumption is being driven by rising demand for electricity, क्योंकि जब ओपन हुआ हमारा, उनकी इकोनॉमी खुली तो वहां पर डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ी तेजी से। साथ ही क्या बढ़ा, साथ बढ़ा कोल और गैस का प्राइस। अब कोल और गैस का प्राइस ऐसी छोटी मोटी इकोनॉमी तो है नहीं चाइना की यहाँ पर सहन ना हो सके, बट प्रॉब्लम तब आई जब चाइना ने अनाउंस कर दिया कि वो 2060 तक नेट कार्बन जीरो एमिटर कंट्री बनने जा रहे हैं, यानी कि कार्बन एमिशन को वो जीरो तक लेकर के जाएंगे 2060 तक। तो एवरी ईयर का जो टारगेट बीजिंग से बना के आया वो काफी स्ट्रिक्ट है, कार्बन एमिशन बहुत है, और यही कारण है कि वहां पर जो पुराने जमाने से यानी ओल्ड टेक्नोलॉजी पे चलने वाली कंपनीज हैं, इट्स कमिंग फर्स्ट टू द कंट्रीज मैमथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज फ्रॉम एल्युमिनियम स्मेल्टर टू टेक्सटाइल प्रोड्यूसर एंड सोयाबीन प्रोसेसिंग प्लांट फैक्ट्रीज आर बीइंग ऑर्डर्ड टू कर्ब एक्टिविटी और इन सम इंस्टांसेस शट ऑल टुगेदर। बंद किया जा रहा है उन्हें, जो पुराने जमाने वाली यानी पुरानी टेक्नोलॉजी पे चलने वाली कंपनीज हैं उनको बंद किया जा रहा है। यही का फायदा अभी इंडिया को मिल रहा है, चाहे कॉटन के प्राइसेस हो या टेक्सटाइल ओवरऑल का जो प्राइस है वो बढ़ रहा है मार्केट में, और जो सप्लाई जा रही है वो इंडिया की तरफ से जा रही है, बांग्लादेश की तरफ से जा रही है। यही फायदा है कि इसी का फायदा उठाते हुए गवर्नमेंट ने दो बड़ी स्कीम अनाउंस की थी। लास्ट टाइम में पीएलआई स्कीम आई थी जहां पर अराउंड 10,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट करने का फैसला लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अब दूसरी खबर यह आ रही है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैबिनेट ने अप्रूव किया है 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क अंडर पीएम मित्रा स्कीम, एलोकेट्स ₹4,445 करोड़ फॉर नेक्स्ट 5 years। द स्कीम एम्स टू एस्टैब्लिश 7 मेजर होलिस्टिक इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल प्रोसेसिंग रीजन्स अक्रॉस द कंट्री, यानी कि अराउंड 4,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जाएगी, 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। एम क्या है इसका, ताकि सारी जो छोटी मोटी स्कैटर्ड वैल्यू चेन है उनको एक जगह पर लाया जा सके, जिससे कि प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, साथ ही साथ उनको एक्सपोर्ट करने में आसानी हो, ताकि एक्सपोर्ट सब्सिडी भी गवर्नमेंट आसानी से उन तक पहुंचा सके। अब खबर तो हमारे सामने बहुत अच्छी है, पहले 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, फिर 4,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, साथ ही चाइना अपने गोल्स को पूरा करने में फेल हो रहा है। अक्सर ऐसा होता था कि जब हमारी सप्लाई बढ़ती थी तो वो अपनी प्राइसेस को कम करके सप्लाई बढ़ा देते थे और हमारा जो माल होता था वो वैसे का वैसा पड़ा रह जाता था, बट इस समय पर चाइना के पास ये ऑप्शन नहीं है। यही कारण है कि टेक्सटाइल सेक्टर में इस समय पर सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है पैसा बनाने की, अगर आप इन्वेस्टर के तौर पर देखें तो भी, अगर आप कंपनी के तौर पर देखें तो भी। बात करते हैं यहाँ पर इन्वेस्टर के तौर पे, लगातार आपका जो स्टॉक रहा है वो एक रेंज में रहा है, और रेंज ब्रेकआउट इस समय पर आप देखिए एकदम वर्ज पे है आपकी कंपनी रेंज ब्रेकआउट देने के। 24 रुपए 35 पैसे का आपका रेजिस्टेंस है और 24 रुपए 25 पैसे के आसपास ही क्लोजिंग है, तो नेक्स्ट वीक में
ब्रेकआउट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है कंपनी में, वैसे ही आपको निवेश करना चाहिए। किस टारगेट के लिए, टारगेट की बात करते हैं। पहले जो टारगेट होने वाला है हमारा, वो 32 रुपीज का होने वाला है। स्टॉक का मोमेंटम अच्छा है, ब्रेकआउट के चांसेस है, खबरें बहुत पॉजिटिव है, और कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो यही रहा है कि हफ्ते दो हफ्ते की रैली यहाँ पर आसानी से आप ले सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए भी निवेश किया जा सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी बाय किया जा सकता है, क्योंकि चाइना को ये जो गोल्स हैं वो लंबे समय के लिए हैं, और इंडिया के जो गोल्स होने वाले हैं या जो टेक्सटाइल सेक्टर में रैली आएगी वो भी लंबे समय तक आएगी, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। मेरा गोल है 3 महीने का, लगभग 32 रुपीज का टारगेट है। प्रॉब्लम यहाँ पे कुछ नहीं है, आती है 2 महीने, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में भी आपका टारगेट पूरा हो सकता है, बट फिर भी टू बी ऑन द सेफर साइड आप 2 से 3 महीने का अगर टाइम फ्रेम लेकर के चलते हैं तो मार्केट का अगर में कुछ प्रॉब्लम आता है तो वहां पर भी आपका स्टॉक झेल सकता है। अब मार्केट के प्रॉब्लम से मेरा मतलब क्या है, आप देखिए इस समय का जो मार्केट है वो अराउंड 18,000 के एकदम वर्ज पे खड़ा है, 17,895, 17,900 के आसपास। अक्सर ऐसा हुआ है आप 14,000 से 13,000 से देखते आए हैं कि निफ्टी 50 जब 13,000 हिट करता है तो वापस बैकवर्ड आता है, 14,000 हिट करता है वापस बैकवर्ड आता है, 17,000 हिट किया था वापस प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। 18,000 के आसपास भी यही प्रॉब्लम दिखाई जा रही है कि 18,000 हिट करेगा और उसके बाद दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग आएगी यहाँ पे। ऐसे में आपको प्रॉब्लम ये हो सकती है कि निफ्टी 50 अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है, थोड़ा सा बेरिश मोमेंटम आता है, तो आपका जो स्टॉक है वो न्यूट्रलिटी में जा सकता है, और न्यूट्रल स्टॉक में बहुत कम लोग पैसा लगाना पसंद करते हैं। यही कारण है कि मैं 2 से 3 महीने का टाइम फ्रेम लेकर के चलने के लिए कह रहा हूँ आपको। लोअर एंड पर आपको 24 रुपए 35 पैसे, 24 रुपए 25 रुपए के आसपास का आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलने वाला है। अपर साइड पर 32 रुपए का टारगेट लेकर के चलिए। टेक्निकल की बात करें तो RSI आपके एक अच्छे जोन में है, हिस्टोग्राम्स डाउनलोड जरूर बन रहे हैं, बट क्योंकि जैसा मैंने बोला मंडे को काफी कुछ कंसिडरेबल होने वाला है, 25 के आसपास की क्लोजिंग आती है, 24 रुपए 35 पैसे के ऊपर ये क्लोजिंग आती है, तो बाइंग ऑर्डर डालो, 32 का वेट करो, आपका स्टॉक जो है वो बहुत बेहतरीन मोमेंटम में है, अच्छा खासा किस्मत चमकाने वाला स्टॉक आपका ये है, ठीक है। तो खरीदारी करने की मेरी सलाह है। बात करें डिलीवरी पैटर्न की, तो डिलीवरी देखिए कितनी बेहतरीन उठाई गई है, 45% के आसपास की डिलीवरी उठाई जा रही है लगातार इस कंपनी में। छोटी कंपनी है, एक्युमुलेशन का जोन बनाया गया है, इसके रिजल्ट लगातार थोड़ी थोड़ी मात्रा में स्टॉक को बाय करके रखा जा रहा है, और यही कारण है कि यहाँ पे प्राइस करेक्शन बहुत कम आता है, टाइम करेक्शन बहुत ज्यादा आता है, यानी कि टाइम स्पेंड करता है रेंज में बहुत ज्यादा, गिरावट कम होती है यहाँ पे। एक हाई लगाया था उसके बाद गिरावट थोड़ी हुई है, बट अगेन वही बात है कि यहाँ पे जो प्राइस करेक्शन है वो कंपेयर टू टाइम करेक्शन ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अभी आप देखिए कि सपोर्ट लिया कंपनी ने यहाँ पर, और उसके बाद एक अच्छी रैली में स्टॉक आपको दिखाई दिया है, तो यही पैटर्न है, यही चांसेस है आपके, यही मौका है आपके सामने अच्छी खासी खरीदारी करके यहाँ पर पैसा बनाने का। 32 का टारगेट है, खरीदारी करने की सलाह है। FIIs की बात करें तो दोनों ही तरफ से बिकवाली आई है, रिटेल इन्वेस्टर मार्केट को संभाल रहे हैं इस समय पर, यही दूसरा कारण है जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि स्टॉक मार्केट आपका न्यूट्रल मोमेंटम में जा सकता है 18,000 हिट करने के बाद, तो तब के लिए थोड़ा सा टाइम फ्रेम आपके पास होना चाहिए। बाकी क्योंकि खबरें अच्छी हैं, टेक्निकल पैटर्न अच्छा है, 32 का टारगेट लेकर के चलिए, स्टॉक आपको 2 से 3 महीने में बेहतरीन रिटर्न दे सकता है यहाँ पे, तो छोड़ना नहीं है स्टॉक को। रिस्क की स्टॉक है, प्रॉफिटेबल भी है, जहां पर रिस्क है वहां पर थोड़ा प्रॉफिट, तो आपको अच्छा प्रॉफिट वहां पर ही मिलता है आपको, ठीक है। तो अगर आपका रिस्क कैपिटल ठीक ठाक है तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, वॉचलिस्ट में रखिए, एटलीस्ट आपको ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे बाय करके पैसा बना सकते हैं, ठीक है। वीडियो यहीं खत्म करेंगे, पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड यस प्लीज कमेंट बिलो, अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।